हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके लिए 3 दिन की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन दोनों प्रमुख दलों के अतिरिक्त शिवसेना समर्थित जिला परिषद समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान बीजेपी ने राज्य और केंद्र की जनहित नीतियों को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया, जबकि उम्मीदवार की छवि और स्थानीय मुद्दों को भी तरजीह देने की बात कही। हालांकि किसान बिल पर कांग्रेस के विरोध को बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा स्वार्थ की राजनीति के लिए किसानों को बरगलाना बताया। कमल जी, कांग्रेस या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो किसान बिल हमारा प्रमुख मुद्दा होगा और उसे इसे लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के पास और उनके प्रत्याशियों के पास अभी कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो खोखली राजनीति कर रहे हैं। जबकि यही कांग्रेस के लोग 2015 में इस बिलों का समर्थन कर रहे थे। ये लोक कल्याणकारी बिल है, किसान के हित में बिल है। अब वो लोगों को बरगला रहे हैं। अब विकास के मुद्दे पर कोई बात करने को है नहीं उनके पास, क्योंकि पिछले समय से जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है अंथा विकास हरोली क्षेत्र में हो रहा है, हमारे क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। एक आखिरी उम्मीद जिसको बोल रहे हैं कि अब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, इनकी झूठ की राजनीति में ना आए, क्योंकि इन्हें 70 साल में देश को झूठ की राजनीति ही करके बर्बाद किया है। अब लोगों के बीच हम जा रहे हैं, लोग इस बिल का भी समर्थन कर रहे हैं। जो आम किसान है वो इस बिल का समर्थन कर रहा है, क्योंकि बिचौलियों से इनको राहत मिल रही है। किसान अब आज अपनी फसल सीधी बेचने को तैयार है। उस पर आप क्या कहेंगे कि एक तरफ 2015 में यही कांग्रेस के जो बड़े नेता इसका समर्थन कर रहे थे, अब उसी का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर आया है। जब उनको लगता है कि किसी कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा है तो झूठ की राजनीति पर उतर आते हैं। कभी आप उनके ही अपने स्टेटमेंट और उनकी वीडियो देखें, कभी तो इस बात का वो समर्थन करते हैं, कभी इसका विरोध करते हैं। उन कांग्रेस आज एक विरोध की पार्टी बन के रह गई है। जो भी अच्छा काम हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि देश हित में देश हित लोगों के लिए बात करें और देश को विकास के लिए जिस प्रकार जाना चाहिए, जो विकास के काम है उनके में साथ देना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने इन चुनावों में किसान बिल के जरिए किसानों से खिलवाड़ और केंद्र द्वारा व्यापारियों से खिलवाड़ को अपना प्रमुख मुद्दा बताया। कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का दावा किया। कांग्रेस ड्रग पार्क पर भ्रमित नजर आई। हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास का और नौजवानों की जो सबसे बड़ी समस्या इस टाइम उभर के आई है, नौकरियां, बेरोजगारी, उसका हल निकलवाने का। और जो मुकेश जी द्वारा आगे जिस तरीके से भी कार्य करवाए जा गए हैं हमारी अपनी जिला परिषद वार्ड में, पिछले 3 सालों से उसके ऊपर जो ब्रेक लगी है मुकेश जी के समर्थन से, उनको आगे दोबारा उनको गति देने का, यही हमारा मेन। आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी आपका एक अहम हल करवाने का एक अहम मुद्दा होगा, लेकिन ड्रग पार्क ये कहा जा रहा है कि 30,000 से 40,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस उसी ड्रग पार्क का विरोध नहीं 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 कांग्रेस ड्रग पार्क का विरोध नहीं कर रही। हम ड्रग पार्क का विरोध क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस विरोध जो है, विरोध जब वहाँ पे ड्रग पार्क खुलेगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी, जो अपने फैक्टर 2 के हिसाब से जो भी उनका मूल्य है ज़मीन का, उचित मूल्य जो सरकार ने सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया भाजपा ने, वो दे उनको। लेकिन कांग्रेस के जो नेता वो खुद गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने दिया है मांग पत्र की जंगल कटान होगा, यहाँ नहीं लगना चाहिए जंगल कटान, तो पंडोगा इंडस्ट्री पे भी हुआ। किसने दिया वहाँ पे? आपके नेताओं ने दिया। आपके कौन से नेता? लोक प्रधान बिट्टू ने दिया। क्या दिया वहाँ पे? वहाँ मांग पत्र दिया कि जंगल कटान होगा, या कांग्रेस के दूसरी आपके पास गलत जानकारी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? नहीं, हमारा जो मुद्दा है, हमारा ये है कि लोगों को जमीनों का पूर्ण मूल्य मिलना चाहिए, जो सरकार की अपनी खुद की उनकी उसमें था जब वो इलेक्शन लड़ रहे चुनाव में थे तो उन्होंने कहा कि ये दी जाएगी ज़मीन, तो उनको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको दे पैसा ड्रग पार्क लगाने का। जो सबसे पहली बार ये मुद्दा उठा था ये मुकेश जी ने उठाया था, और बद्दी के अंदर आप देख सकते हैं, बद्दी के अंदर उनका भाषण है, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि ड्रग पार्क जो है हिमाचल को ज़रूरत है, ये लोगों की। उन्होंने बद्दी के लिए बोला था, हिमाचल के लिए बोला था सर। बद्दी या आप क्या चाहते हैं कि ऊना या बद्दी, कोई अलग अलग जगह है, दो वो तो हिमाचल है ना, हिमाचल में कहीं भी खुल जाए, वो बद्दी में खुल जाए, वो ऊना में खुल जाए, हमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें।
दिक्कत ये है कि लोगों को जो पैसा है वो मिलना चाहिए, उचित दाम उनको मिले, उसके बाद खुले, क्या दिक्कत है। वहीं शिवसेना ने भी इन चुनावों में अपने समर्थित उम्मीदवार रणभूमि में उतारे। शिवसेना सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में उन्ना जिला परिषद के दो उम्मीदवार पंडोका और बड़ाला, जिला परिषद कांगड़ा के लिए 4 उम्मीदवार, ब्लॉक समिति के लिए 6 उम्मीदवार, नगर परिषद पौंडा साहब वहाँ पे हमारे जो है 2 उम्मीदवार मैदान में है। और किन मुद्दों को लेकर के जनता हम अपना जो हमारे कार्यक्षेत्र हैं उनके विकास के लिए और जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको उजागर करने के लिए, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए हम तैयार हैं।